दोस्तों, लेखक बहुत तरीके के होते हैं। कुछ यथार्थ लिखते हैं, कुछ कल्पना, कुछ उन लोगों तक पहुंचते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। हमें समाज के ऐसे ऐसे अंग के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सामान्य लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, जिनके बारे में जानना समझना नहीं चाहते हैं। मजदूर लेखिका के नाम से प्रसिद्ध चित्रा मुद्गल के नाम से आप जरूर परिचित होंगे। आपने कभी न कभी उन्हें पढ़ा होगा या फिर उनकी चर्चा सुनी होगी। चित्रा जी ऐसी लेखिका हैं जो हमेशा वंचितों के बारे में लिखती रही हैं, यथार्थ लिखती रही हैं, समाज की उन सच्चाइयों से हमें परिचित कराती हैं जिनके बारे में अक्सर हम आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी कई कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें पढ़ते वक्त आपकी आंखों से अविरल आंसू बहेंगे। आप सोचने पे विवश होंगे कि समाज ऐसा क्यों है, कुछ लोगों को हम क्यों इस हाल में छोड़ देते हैं। 2018 में आया उनका उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसे साहित्य अकादमी में मिला। आज हम अपनी चर्चा के लिए इसी पुस्तक को रखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, आज की पुस्तक है चित्रा मुद्गल का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। नाला सुपारा के बारे में आप जानते होंगे कि यह मुंबई का एक उपनगर है, मुंबई का बाहरी इलाका है और इसे पॉश इलाका नहीं कहते हैं। यहाँ पे वे लोग रहते हैं जो मध्य वर्ग से भी नीचे आते हैं, वे लोग रहते हैं जो मुंबई की चकाचौंध को देखते हुए वहाँ अपना आशियाना बनाने पहुँचते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होते हैं कि मुंबई में स्थान पा सके, वहाँ घर बना सके, तो नाला सुपारा पहुँच जाते हैं। मुंबई की जो धड़कन है लोकल ट्रेन, उसका लास्ट स्टॉपेज है नाला सुपारा और यह कहानी भी वहीं की है, वहीं के एक बच्चे की है। पर यह एक आम बच्चा नहीं है, यह बच्चा ऐसा है जो समाज से बिल्कुल कटा हुआ है। ऐसा बच्चा है जिसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, जिसे देख के हम घृणा से मुंह बिचका लेते हैं। इस उपन्यास का नायक है विनोद। विनोद यानी कि बिन्नी यानी कि बिमली यानी कि अपनी माँ का लाडला डिकरा। यह सभी नाम एक ही लड़के के हैं। समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उसके नाम बदलते चले जाते हैं। इस उपन्यास की विशेषता यह भी है कि इसे पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। यह पूरा उपन्यास विनोद के पत्रों के सहारे ही आगे बढ़ता है। इसकी भाषा बहुत अच्छी है, इसमें वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और इस उपन्यास में आपको बहुत सारे मर्म स्थल मिलेंगे जो आपको कचोटते हैं, जो आपको दुखी करते हैं, जो आपको सोचने पे विवश कर देते हैं कि मैंने इस तरीके से समाज के एक वर्ग के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था। इस उपन्यास को पढ़ के निश्चित रूप से आपके दृष्टि में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम सभी जिनके सभी अंग सलामत हैं। अगर कभी तबीयत खराब होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर कभी भी छुपाते नहीं हैं अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से। लेकिन अगर मानसिक विकृति हो तो लोग छुपाना शुरू कर देते हैं और इससे आगे बढ़ के अगर यह विकृति मानसिक न हो के यौन विकृति हो तब तो कोई भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उस बच्चे को हम समाज से काट देते हैं। जी हाँ, ये वही बच्चे होते हैं जो किन्नर कहलाते हैं, जिनसे हम दूर दूर भागते हैं, जो हमारी घृणा का इस तरीके से शिकार होते हैं कि भीख मांगने पे मजबूर होते हैं, बधाइयाँ गाते चलते हैं, सिग्नल पे भीख मांगते रहते हैं। और इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि हम उन्हें वह प्यार, वह सम्मान तो छोड़िए समाज में स्थान ही नहीं देने को तैयार होते हैं। विनोद जो कि इस कहानी का नायक है, उसका जन्म सामान्य बच्चे की तरह ही हुआ था। उससे बड़ा एक भाई था सिद्धार्थ, उससे छोटा भी एक भाई था मंजुल, बीच में था अपना विनोद, माँ वंदना बेन का लाडला, पिता हरेंद्र का लाडला। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, परिवार वाले सबसे पहले विनोद से थोड़ा थोड़ा कन्नी काटने लगे, उनके प्यार में थोड़ी सी कमी आने लगी।
लेकिन यह विनोद की तरफ से नहीं था। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, अपने भाई बहनों पे स्नेह लुटाता था, अपने पिता पे जान छिड़कता था। विनोद बहुत इंटेलिजेंट था, एकदम मेधावी बच्चा जो बड़ा हो के बड़ा सा गणितज्ञ बनना चाहता था, देश समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसे यह एहसास हो गया कि वह सामान्य बच्चा नहीं है। उसे समाज के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया और एक दिन किन्नर आए, उसे उठाकर ले गए। बहुत बार ऐसा होता है कि किन्नर उन बच्चों को ले जाते हैं जो उनकी तरह होते हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले खुद किन्नरों को बुला के अपने बच्चे जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नरों की तरह होते हैं, उन्हें किन्नरों को ही सौंप देते हैं। विनोद के साथ भी यही हुआ। माता पिता नहीं चाहते थे कि समाज को पता चले कि उनके घर में एक यौन विकृति वाला बच्चा था, और इसलिए किन्नर को सौंपने के बाद वे लोग बाकायदा यह घोषणा कर देते हैं कि एक एक्सीडेंट में विनोद की मृत्यु हो गई। बहुत समय बाद विनोद को इस घटना की जानकारी मिलती है, उसे बहुत दुख होता है। विनोद बहुत इंटेलिजेंट था, किशोरावस्था में वह किन्नरों के समाज में पहुंच गया। चंपा बाई जो कि किन्नर हैं उसे लेके जाती हैं। बिल्कुल यह परिस्थिति, यह दुनिया बिल्कुल अलग थी और यहाँ एडजस्ट करने में उसे बहुत दिक्कत आती है। उसे अपना परिवार बहुत याद आता है और वह अपनी हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर दिनचर्या, मनस्थिति सबके बारे में अपनी माँ को खत लिख के बताता है। और यह जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, यह उसके घर का पता है विनोद जहाँ चिट्ठियाँ लिखता है, अपनी माँ तक पहुँचाता है। चित्रा जी ने यहाँ पे विनोद के माँ के जो उत्तर आते हैं वैसे कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन जब हम विनोद के पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि माँ के पत्र भी उसे बीच बीच में प्राप्त हो रहे होते हैं, जिनके बारे में वह जिक्र करता है, आगे कई बातें लिखता है। विनोद बहुत सेंसिटिव है और इस जो नया माहौल है उसे और अधिक सेंसिटिव बनाता है। यहाँ वह एडजस्ट कर रहा होता है तभी उसे मिलते हैं विधायक जी। विनोद अपनी इस नई दुनिया में आने के बाद भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता है और वह चाहता है कि जिस तरीके से उसका निष्कासन हुआ, कम से कम अन्य जो किन्नर बच्चे हैं उनका निष्कासन नहीं हो। और यह संभव हो सके कहीं कि जितने सारे किन्नर हैं जिन्हें उनके घर से निष्कासित कर दिया गया है, उन्हें उनके घर भेजा जा सके, उनके घर वापसी हो सके। इसके लिए बाकायदा जब वह भाषण दे रहा होता है तो वह यह कहता भी है कि मैं आप सबकी ससम्मान घर वापसी चाहता हूँ। और यह चाहना सिर्फ विनोद की नहीं है, यह चाहना निश्चित रूप से चित्रा जी की भी है। चित्रा जी चाहती हैं कि समाज के किन्नर कहलाने वाले तबके को भी सम्मान मिले, घर में जगह मिले। तो यह कथा जो विनोद की है, विनोद अपने साथ हो रही हर घटना को अपनी माँ को पत्र के माध्यम से बता रहा होता है। नई दुनिया में उसे नए दोस्त मिलते हैं। उसकी एक दोस्त है पूनम, जो कि किन्नर ही है, पूनम जोशी, लेकिन उसमें लड़कियों वाले गुण अत्यधिक हैं। कहीं ना कहीं पूनम विनोद को चाह रही होती है और धीरे धीरे विनोद भी अपनी तरफ से एक खिंचाव महसूस करता है, पूनम के प्रति एक गहरा लगाव महसूस करता है। विनोद का सामना होता है एक विधायक जी से। वह समझता है कि यह कितने अच्छे हैं जो मेरी सहायता करना चाहते हैं। वह उनसे अपनी मन की बात कहता है। वह कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ। तो विधायक जी कहते हैं क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो वह कंप्यूटर के बारे में जानने की इच्छा बताता है। वह कहता है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर को जानना समझना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। विनोद की इच्छा रहती है कि वह सामने सामने काश कंप्यूटर सीख के अपनी माँ से बात कर सकता, उन्हें रोज देख सकता। और विधायक जी उसकी मदद करते हैं कंप्यूटर सीखने में। विनोद तो उनसे बहुत स्नेह करने लगा था, उन्हें बाबूजी कहने लगा था। यह तो उसे बाद में पता चलता है कि यह एक राजनीतिक चाल है। कितने तरीके के चाल उसके साथ खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, पॉलिटिक्स में लोग कहाँ तक गिरते हैं, यह विनोद को बाद में पता चलता है। विधायक जी के घर में एक प्रोग्राम था, पूनम वहाँ जाती है डांस करने के लिए। विधायक जी के भांजे और उसके मित्र पूनम के साथ बर्बरता करते हैं, जंगली, एकदम जंगली व्यवहार करते हैं। रेप नहीं, उसे रेप नहीं कहना चाहिए, रेप से बहुत अधिक, रेप तो फिर भी बहुत छोटा शब्द हो जाता है, जो बर्बरता पूनम के साथ होती है उसके आगे।
उस अमानवीय बर्बर जंगली व्यवहार के बाद पूनम बहुत अधिक कष्ट में रहती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। विधायक जी सारे घटनाक्रम की लीपापोती में लग जाते हैं, अपने भांजे और उनके दोस्तों को छुपा देते हैं, नई नई चालें चल रहे होते हैं और एक तरफ सामने से दिखाने के लिए पूनम की इलाज का खर्चा भी उठा रहे होते हैं। विनोद को इस घटना की जानकारी मिलती है, वह भागा भागा आता है। जब यह वहाँ पहुँचता है तो पूनम उसे कहती है कि तुम्हारी माँ मरणासन्न है और तुम्हें बुला रही है। विनोद खुशी से भर जाता है, माँ जिसके लिए उसका हर एक पल समर्पित है, किन्नरों के देश में किन्नरों के माहौल में आकर भी वह अपनी माँ को ही जीता रहा होता है। हर पल हर क्षण उसके मन में सिर्फ माँ बसी होती है, वह यही याद करता रहता है कि इस समय माँ क्या कर रही होगी, अगर अभी माँ का पैर दुख रहा होगा तो वह कैसे एडजस्ट कर रही होगी, वह काम कैसे कर रही होगी, माँ को कितना दर्द होगा, माँ बीपी की मरीज है, माँ हार्ट की मरीज है, माँ की स्थिति कैसे ठीक होगी, माँ के लिए क्या करना चाहिए। और वही माँ उसे बुला रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने इश्तिहार छपवाया है, बेटे को बुलाया है। विनोद को जाना ही था, दौड़ता है। कितने अरमान थे विनोद के, कितने सपने थे, पर क्या वह माँ से मिल सका? नहीं मिल सका, क्योंकि तब तक माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ जिसने कि विनोद को घर से निकाला था, किन्नरों को सौंप दिया था और बाद में यह भी खबर फैलाई थी कि विनोद की मृत्यु हो चुकी है, अब वह बहुत ज़्यादा पछता रही होती है। उसे भी लग रहा होता है कि उसे विनोद को घर में ही रखना चाहिए था, उसे अपने घर में स्थान देना चाहिए था और इन सब के प्रायश्चित के लिए उसने बाकायदा एक वसीयत किया था कि मेरी संपत्ति में मेरे तीनों बेटों का हिस्सा रहेगा बराबर बराबर, और मेरी मुखाग्नि के लिए भी, मेरा अंतिम संस्कार में भी विनोद को अवश्य शामिल किया जाए, जब तक वह नहीं आए तब तक मेरा शव सुरक्षित रखा जाए। विनोद की यह त्रासदी है, पूरे उपन्यास में हम उसके किशोर से वयस्क होने तक यही देखते रहते हैं कि उसकी कल्पना में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ रहती है और वह उसी माँ से नहीं मिल पाता है। विनोद का यह अंत देख के आप बहुत दुखी होंगे। विनोद जब किन्नरों के पास पहुँच के बिन्नी बनता है पहले और फिर बाद में बिमली, अपनी माँ को पत्र लिखते हुए वह उसे माँ का लाडला डिकरा संबोधित करता है, वहाँ से चलता हुआ विनोद माँ के लिए बिलखता रह जाता है। आपको यह उपन्यास बहुत दुखी कर देगा और बहुत सारी समस्याएं जो नाला सोपारा की हैं, उस समाज की हैं और किन्नर समाज की हैं, हम सभी की हैं, हमारे इग्नोरेंस की है, इन सब के बारे में यह उपन्यास बहुत खुल के बात करता है, हमारे दृष्टि को बिल्कुल ही साफ कर देता है। यह बताता है कि नहीं, हमारा जो व्यवहार है किन्नरों के साथ यह गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें क्योंकि यह पढ़ने में बहुत ही रोचक है और आपको जो सीख और संदेश और समझ देगी, किन्नरों के बारे में जानकारी देगी, हमारे खुद के बारे में जानकारी देगी, समाज के बारे में जानकारी देगी, वह तो है ही। तो इस उपन्यास को पढ़िए, पढ़ के आपको यह कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।